व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं पातरहूर बारकपुर। राजदीप सरदेसाई जो हैं, इनका आगे लिखा हुआ है डिस्ट्रॉयड। तो ये क्या सीन है देखने के बाद ही पता चलेगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मुझे आइडिया है कोई नहीं। दो चीज़ें हैं, एक है रिलीजियस मीम और दूसरा है मीडिया से रिलेटेड मीम। तो क्लैरिटी तो देखने के बाद होगी। शुरू करती 3, 2, 1। इन स्पैन ऑफ अ फ्यू डेज इसराइल्स अनरिलेंटिंग बॉम्बिंग ऑफ लेबनान हैज किल्ड ओवर 500 पीपल इंक्लूडिंग वुमेन। पैलेस्टाइन के मामले में कुछ नहीं हुआ तो लेबनान पे क्या? टू इंप्लीमेंट यूएन रेजोल्यूशंस हैज एम्बोल्डन इसराइल, इट थ्रेटन टू ड्रैग द एंटायर मिडिल ईस्ट इनटू अ वॉर। से आ रहे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की इज़राइल ने नसरुल्ला 14 फ्लोर नीचे मारा गया। इजरायली मीडिया के दावे के मुताबिक हिजबुल्ला के मुख्यालय पर हमला हुआ। इस हमले में हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला भी मारा गया है। क्या है कि आज आराम से बात करना रहने देते हैं, आज मूड नहीं है। आज उसकी गांठ पर अखरोट तोड़ेंगे। शाबाश, ये तो मना है, जंग में कुछ जंग ही होती है। क्या बोलूं मैं इसपे, क्या बोलूं क्या मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। अरे चाचा, ये लेबर चौक है ना? हाँ लेबर चौक है। अच्छा, यहाँ कोई लेबर नहीं दिख रहा है? सब गए काम पर, यहाँ तुम्हारे लिए बैठे हुए रहता है। एक लेबर का जरूरत था मुझे। काम क्या है बताओ? अरे दुर्गा पूजा का साफ सफाई करवाना था, एक लेबर का जरूरत था। 2000 लगेगा दिन का। अरे 2000 मांग रहे हो? 600 रुपए दिन का दिहाड़ी चल रहा है यहाँ। जाओ जहाँ मिल रहा है ले जाओ। चलो भाई। अरे अंकल गुस्सा मत हो, चलो। दिन का 3 बार 4 और 2 बंडल बीड़ी और 2 घंटा आराम करने का समय भी मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है चाचा, चलो यार। बात सही है। एक बात आप सुन लो, 5 बजे हाथ धोऊंगा और हाथ में पैसा चाहिए। अरे ठीक है यार चलो। आप कहाँ जा रहे हो अब्दुल चाचा, काम मिल गया क्या? हाँ काम मिल गया। कितने में ले जा रहे हैं भैया? अरे 2000 रुपए मांग रहे हैं यार। अरे मुझे लेके चलो, मैं 600 में काम कर दूंगा। 400 में ही काम करूंगा। 300 दूंगा। ठीक है। 3 टाइम चाय नहीं चाहिए? 2 टाइम बीड़ी नहीं चाहिए? 2 घंटा आराम नहीं चाहिए? बैंड बज गया। लेने के देने पड़ेंगे। सवाल ये है कि जो मुस्लिम फैमिलीज हैं उनमें बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, तो कितने बच्चे होने चाहिए ये पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि ऊपर वाला डिसाइड करता है? पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। बच्चे ज्यादा होते हैं। तो जो 4 शादियां करेंगे उनके ज्यादा बच्चे होंगे या एक करेगा उसके? यार इसका ताल्लुक शादी से नहीं है, इसका ताल्लुक है कि आप फैमिली में करते हैं। गधे चीन को बेच रहा है भैया, एक गधा हमारे भारत में भी है, वो भी ले जाओ। नो ऑफेंस टू ऑल कांग्रेसेस, नो ऑफेंस, ले जाओ भाई। सही पकड़े हैं। देयर वाज अ कंस्पिरेसी इन द बीजेपी टू डिफीट नितिन गडकरी, सही है गलत है? पूरी गलत है। आपको पहले लिस्ट में आपका नाम भी नहीं दिया गया। When the first list of the BJP came out before लोकसभा, आपका नाम नहीं था। आपको मोदी जी को नागपुर एयरपोर्ट में मिलना पड़ा और मामला सॉर्ट आउट करना। तो आपके तरफ देखकर बड़े ये आ रही है, गजब बेइज्जती है कि प्रधानमंत्री जब हर बार आते हैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं मिलता हूँ आपको। किसने, प्रधानमंत्री ने कान में आके बताया क्या कि मैंने मेरा टिकट कब देते हो करके? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं, विदाउट प्रूफ है मैं लगा हुआ। बात करिए, ऐसी कोई बात नहीं, और मुझे किसी ने ही ये कहा नहीं। दूसरी बात, महाराष्ट्र की लिस्ट ही जो रिकमेंड होकर, पहले पद्धति ऐसी होती है कि महाराष्ट्र पार्लियामेंट्री बोर्ड अपने सीटों को रिकमेंड करके दिल्ली भेजता है। जब महाराष्ट्र की लिस्ट ही नहीं आई थी और बाकी जगह से लिस्ट आई थी तो महाराष्ट्र का एक भी नाम नहीं आया था, तब मेरा नाम उसमें जब आया तब उसमें। ओके जी, तो वीडियो हमने देखा, 72 होर मुबारक हो, ये टाइटल दिया गया था हसन नसरुल्ला के लिए। भाई देखें, हिजबुल्ला को बहुत सारे इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ कहती हैं कि ये एक टेररिस्ट आउटफिट है, और बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं, वो कहते हैं जी ये एक प्राइवेट मिलिशिया जो कि अपने हक के लिए जंग लड़ रहे हैं।
भाई जो भी कहते हैं, हर बंदे का अपना एक नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का। इस वक्त मिडल ईस्ट की सूरत हाल ये है कि मैं ये समझता हूँ सबसे पहले सीज़ फायर होनी चाहिए, क्योंकि देखें एक टेररिस्ट को मारने के लिए अगर आपको 1000 सिविलियंस को मारना पड़ रहा है, इट मीन ये भी ठीक नहीं है, इसको भी आप गलत कहें। लेकिन उन सिविलियंस की आड़ में अगर नीचे बैठ के एक ग्राउंड फ्लोर में या अंडरग्राउंड फ्लोर में एक टेररिस्ट काम कर रहे हैं तो ये भी ठीक नहीं है, आपको दोनों बातों को साथ लेके चलना पड़ेगा और गलत कहना पड़ेगा। तो बात यह है ना कि हसन नसरुल्ला का जो बेस था वो 14 फ्लोर नीचे था एक बिल्डिंग के, 14 फ्लोर नीचे, और वो एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी। अब जाहिर सी बात है जब इसराइल बम मारेगा, उनको इंटेलिजेंस मिलेगी भाई ये बंदा इस बिल्डिंग में है, तो बम मारेगा ना तो सिविलियंस तो मारी जाएंगी। लेकिन हम सब ब्लेम तो इसराइल को कर देते हैं, इन आउटफिट्स को कोई नहीं पूछता कि भाई तुम अपना बेस सिविलियन के नीचे क्यों बनाते हो। लड़ना है तो फिर जुर्रत से लड़ो, सामने लड़ो, अपना बेस बनाओ। जैसे इसराइल का मिलिट्री बेस है, आप भी अपना मिलिट्री बेस बनाओ फिर, ताकि बमबारी अगर करनी हो आमने सामने हो, ये बीच के लोग तो ना मारे जाएं। लेकिन हमेशा की तरह हम ये ज़रूर कहेंगे कि इस मसले को कर्टेन करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ बहुत मसला हो जाएगा यार। मिडल ईस्ट में आग लग जाएगी, और मिडल ईस्ट की आग समझ लो पूरी दुनिया में आग लगेगी। आप क्या कहोगे इस टॉपिक पे बताना। बाकी जो वीडियो थी राजदीप सरदेसाई जो था, मतलब यार कुछ साफ़ी चाहे बॉर्डर के इस तरफ या उस तरफ ऐवें बात बोल देते हैं, और इतनी क्रेडिबिलिटी के साथ बोलते हैं जैसे पता नहीं उनके पास प्रूफ है, प्रूफ श्रूफ होता नहीं है, बोल देते हैं। अब यहाँ पे जैसे केस हुआ है कि एक बच्ची जो कि एबसेंट थी कुछ टाइम से, उसको लेकर, क्योंकि उसके कोई एक्सीडेंट हुआ था, उसको लेके एक बना दिया गया जी बच्ची का रेप किया है गार्ड ने, और हुकूमत छुपा रही है, और उसके नाम पे कॉलेजेस में तोड़ फोड़, चोरियां और पब्लिक प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचाया गया एक फेक न्यूज़ की बेस पे। और मतलब और पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा हमें इस मुल्क में। बहरहाल जी आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।